नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रक्रिया 2018 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ में बताने वाले हैं कि आखिरकार अब क्या होना बाकी रह गया है। तो दोस्तों, संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर लगभग समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने वाली है उसमें क्या नंबर बढ़ेंगे, या फिर जो नोटलाइजेशन के नंबर है उनमें नंबर इंक्रीज होंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर हम बता दें कि यदि आपके नंबर नोटलाइजेशन के कारण ही इंक्रीज होकर यदि आपका टॉप पार किए हो और आपका DB PhD सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है, अब आपका यहाँ पर मेडिकल और मेरिट लिस्ट बाकी रह गई है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके लिए यहाँ पर लग रहा है कि काश यहाँ पर मेडिकल के बाद जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है उसमें यहाँ पर नंबर बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर कमेंट करके हमसे पूछा है कि सर बताएं प्लीज़ क्या जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों को हम कहना चाहते हैं कि नंबर केवल एक बार बढ़ते हैं, वो भी नोटलाइजेशन के कारण नंबर बढ़ते या घटते हैं। दोस्तों, नोटलाइजेशन पहले एक बार हो चुका है, अब दोबारा नहीं होता, कोई भी नोटलाइजेशन दोबारा से नहीं होता है। इसलिए नंबर केवल एक बार ही बढ़ते हैं, अब कोई भी नंबर किसी का नंबर नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी वह सब जो रिजल्ट आया था फाइनल रिजल्ट जो कि नोटलाइजेशन होने के बाद रिजल्ट बना था उसमें जितने जिनके नंबर यहाँ पर होंगे उस हिसाब से इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। अब कोई के भी यहाँ पर नंबर नहीं बढ़ने वाले, किसी भी विद्यार्थी के किसी भी तरीके से कितने कोई भी नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं किए जाएंगे। जितने नंबर अभी हैं आपके उतने ही नंबर आपके रहेंगे। यानी कि दोस्तों, जो परिणाम यूपी पुलिस ने घोषित कर दिया था कि यह परिणाम जो नंबर और नोटलाइजेशन बढ़ाए गए थे, अब उसके बाद यहाँ पर कोई भी नोटलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होगी, ना ही आपके कोई यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके जितने नंबर हैं उतने ही आपके नंबर रहेंगे, ना आपका एक नंबर बढ़ेगा और ना ही आपका एक भी नंबर कम होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी नंबर यहाँ पर किसी का नहीं बढ़ने वाला। दोस्तों, यदि आप मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका नंबर ने बिल्कुल ना घटेगा और ना बढ़ेगा। तो इससे उन्हीं विद्यार्थियों के लिए वीडियो मैंने बनाया है जो विद्यार्थी यहाँ पर पूछ रहे थे कि क्या नंबर बढ़ सकता है या फिर नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। अब मेरिट लिस्ट में नंबर केवल एक बार ही बढ़ता है जो कि बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।